दोस्तों, क्या आप अपने सफारी वेब ब्राउजर में डार्क मोड अनेबल करना चाहते हैं? जी हाँ, हम में से मोस्टली एप्पल लवर ये बात जानते हैं कि एप्पल ने मैकओएस महावे में डार्क मोड मुतारिफ करवाया है, लेकिन सफारी में डार्क थीम लगाने के लिए हम मैकओएस के बिल्ट इन फीचर डार्क मोड का सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि डार्क मोड वैसे तो मैकओएस की ऑलमोस्ट तमाम एप्स पर परफेक्ट काम करता है, लेकिन The only problem is that के सफारी पर इसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा, बहुत से मेरे बहन भाई ऐसे भी हैं जो macOS महावे की बजाय मैक का कोई दूसरा प्रीवियस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, जिसमें सिरे से डार्क मोड का फीचर ही नहीं होता। तो ऐसे में what is the best solution? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मसूद जफर है, आप देख रहे हैं एमजेड लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि सफारी में डार्क थीम लगाने के लिए हम डार्क मोड का सहारा नहीं ले सकते, तो इसके लिए हमें एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर या एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी, जिसको डाउनलोड करने के लिए हम अपने ऐप स्टोर पर क्लिक करेंगे और फिर अपने ऐप स्टोर की सर्च बार में लिखेंगे डार्क मोड सफारी और अपने कीबोर्ड की इंटर या रिटर्न की को प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं कि आपके सामने ऐसी कई एप्लीकेशंस आ गई हैं जो कि सफारी में डार्क मोड को अनेबल कर सकें। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर डार्क रीडर फॉर सफारी का इंतखाब करूंगा। यहां पर थोड़ा नीचे आकर आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन जस्ट 2 माह पहले अपडेट हुई है और इसका करंट वर्जन 1.1 है। तो चलिए इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं। आफ्टर इंस्टॉलेशन आपने अपने एप्लीकेशन फोल्डर में जाना है और डार्क रीडर फॉर सफारी पर क्लिक कर देना है। डार्क रीडर को सफारी के लिए एक्टिवेट करने के लिए आपको इस एक्टिवेट फॉर सफारी बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, ना सिर्फ आपका सफारी वेब ब्राउजर ओपन हो जाएगा बल्कि उसकी एक्सटेंशन की प्रेफरेंसेस भी खुल जाएगी। यहां पर आपने जस्ट डार्क रीडर के आगे बने हुए रेडियो बटन पर क्लिक करके इसे चेक मार्क कर देना है। अब आप इस विंडो को क्लोज कर दें। आप देख सकते हैं कि आपके एड्रेस बार के साथ डार्क रीडर का एक छोटा सा न्यू आइकन आ गया है। तो चलिए अब किसी वेबसाइट को ओपन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरी विकिपीडिया की वेबसाइट डार्क मोड में ओपन हुई है। अब मैं जिस भी वेबसाइट को ओपन करूंगा वो डार्क मोड में ही ओपन होगी। अगर आप इस डार्क मोड को किसी खास मकसद या टाइम के लिए ऑफ करना चाहें तो इस डार्क रीडर के आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑफ बटन पर क्लिक कर दें। डोंट वरी, बाद में जिस वक्त आप चाहें इस ऑन बटन पर क्लिक करके इसको दोबारा ऑन कर सकते हैं। डार्क रीडर की एक खास बात यह है कि यह आपको फुल कंट्रोल देता है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को एडजस्ट कर सकें। इसके अलावा डार्क रीडर आपको 2 मोड्स ऑफर करता है, फिल्टर मोड और डायनेमिक मोड। इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा और सूट करे आप उसे अप्लाई कर दें। इसके अलावा अगर आप किसी स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए कोई कस्टम थीम लगाना चाहते हैं तो इस जगह पर क्लिक करके आप लगा सकते हैं। डार्क रीडर सफारी के अलावा अदर पॉपुलर वेब ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम और फायरफॉक्स पर भी अवेलेबल है। मैक के साथ साथ विंडो के यूजर भी गूगल क्रोम और फायरफॉक्स में डार्क रीडर का मजा ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें और दिल खोलकर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि दूसरों को भी फायदा पहुंच सके। और अगर आप पहली मर्तबा हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाना हरगिज ना भूलिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और IT से रिलेटेड मजे मजे की वीडियोस और हमेशा रखते हैं आपको अप टू डेट। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने और अपना कीमती टाइम देने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।